नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडोर, आप सब देख रहे हैं जीन प्लस न्यूज। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मानसून की पहली बारिश हो रही है। मैं आपको सफेदों का हाल दिखाना चाहूंगी। नगर पालिका की कार्यकारिणी का गठन हुए एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन आप सफेदों के हाल देख सकते हैं। हम अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 और 8 में, यहाँ पर अग्रवाल चौक पड़ता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पैदल यात्रियों का निकलना भी कितना मुश्किल हो रहा है। घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरी सड़क आप देख सकते हैं टूटी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेतों की गोर हो, पूरी सड़क कच्ची है और आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर कैसे पत्थर पड़े हुए हैं छोटे छोटे, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दो पहिया वाहन का निकलना यहाँ से बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं ऐसा हाल है यहाँ पर जैसे तो कोई तालाब हो, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और आसपास के लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घरों में, दुकानों में, हर जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ दो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये कौन सा वार्ड, कौन सी जगह पड़ती है? वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 का सेंटर है ये जी। जी, ये नहर का पुल है। हाँ। शमशान रोड है, पुल से लेके और वहाँ तक ये पूरी सड़क ही कच्ची है। क्या कभी ये सड़क नहीं बनी आज तक? नहीं जी, बहुत साल हो गए यहाँ सड़क नहीं बनी। और पानी, पहली बरसात है, पहली बरसात में इतना पानी खड़ा है और घरों के अंदर पानी पड़ा है। आपने देखा है ये सड़क नहीं बनी है? 15-20 सालों से सड़क नहीं बनी है। यहाँ पर हर बार इतना ही पानी भरा होता है। हाँ जी, देख लो, पहली बारिश है, पहली बारिश में इतना पानी खड़ा है। क्या कभी आपके वार्ड के वासियों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई? बहुत करते रहते हैं जी, मौके दिखाए हैं। नहीं, अभी नहीं लिया। नहीं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कि ये रोड बनना चाहिए, ये पानी का निकासी का साधन होना चाहिए, यही अपील है जी। और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी जो है, देखिए आप, निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। गड्ढे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हैं और पानी, पूरी सड़क कच्ची है। दुकानदारों ने बताया कि ना जाने कितने साल से ये सड़क यहाँ पर नहीं बनी है। और ये आप देख रहे हैं वार्ड 7 में सड़क इतनी गहरी है और बिल्कुल कच्ची है, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है इस सड़क पर कि पानी जो है सड़क से घरों के अंदर चला गया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ वार्ड नंबर 7 में एक घर है और वार्ड के बाहर जो सड़क है उसमें इतना पानी भरा है, इतनी गहरी वो सड़क है। आप देख रहे हैं कि पानी इनके घरों के अंदर चला गया है, कैसे बाल्टियों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके पूरे घर में पानी भरा हुआ है, इनका रहना मुश्किल हो रहा है। इनसे बात करते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हर साल ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। जय भी राम बरसे, जितनी देखो हमारे अंदर पानी जा रहा, निकासी है नहीं है पानी की। तो शिकायत नहीं करते कि यहाँ कोई नहीं किसी की सुनता? कोई नहीं सुनता ना। अभी चुनाव के दौरान एमसीबी आए, सारे काम कर दिए थे हमने, लेकिन अब एमसी नहीं आ रहे हैं। अब आपको शिकायत करनी चाहिए एमसी से भी बोल दिया हूँ, करी तो थी उन्हें पहली। हाँ। जिस तरह नाले का पानी निकले था 2 दिन, अब आंधा को नहीं था नाले का पानी। हाँ। फिर ये उसका तो ये ड्यूटी शुरू हुई है नहीं, फिर तभी करेगा, तब वो अपनी पूरी ड्यूटी पे चला जाएगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही। कितने सालों से नहीं बनी है? बहुत साल हो गए, 4-5 साल हो गए ये सड़क नहीं बनी। पानी की निकासी नहीं है यहाँ, और सारे शहर का, आधे शहर का पानी यहाँ आवे, आधे शहर का परले पास जाओ, आधे शहर का यहाँ यहाँ करा क्या सारा भयूरे के, बस यहाँ आन दो पानी ने। और हमारी इतनी बिरान माटी हो रही, देख वे अंदर पानी जा रहा हमारे डंगरा का, बच्चा का, ऐसा नहीं हम रोटी भी खा ले, देख कहाँ पानी जा रहा हमारा।